अरे लाज शर्म रही नैया दिखा रहे हैं ताओ। आजकल के मोड़ी मोड़ा। अच्छा। अरे देखो तुम कह गए। हा लाज शर्म रही नैया दिखा रहे हैं ताओ। कलयुग में होने लगे अपने मन के ब्याह। कलयुग में होने लगे अपने मन के ब्याह। कलयुग में सुनाओ। अरे बाप और मताई की कटवा दई नाक। हाँ बाप मताई हो तो आदमी आज के मोड़ी मोड़ा समझती नहीं है। सही कह रहे हैं। अरे बाप और मताई की कटवा दई नाक। ओ भैया और भौजी की रही नैया झाक। भैया और भौजी की रही नैया झाक। बाप और मताई की कटवा दई नाक। बाप और मताई की कटवा दई नाक। ओ भैया और भौजी की रही नैया झाक। बनी हती इज्जत डूबे रहो है नाव। अच्छी इज्जत आती लम्बा दाय की लायका। अच्छा। लेकिन कोर्ट में चल ले आए बहू घर में पेड़ दो सो इज्जत खत्म। अरे बनी हती इज्जत डूबे रहो है ना। कलयुग में होने लगे अपने मन के लड़का और बिटियन के जे देखो खेल। हम के आज के मोड़ी मोड़ा ऐसे यहाँ खेल लाए जैसे बिल्कुल जिंदगी हो जो समझ लाओ के का है जिंदगी कछु नहीं। अच्छा। हाँ जैसी जी बैठी थी का हम कैसे तुम खेल ही तो खेल ले। लड़का और बिटियन के जे देखो खेल। ना डरने मड़वा और ना डरने तेल। ना डरने मड़वा और ना चढ़ने तेल। ना डरने मड़वा और ना चढ़ने तेल। ना डरने मड़वा और ना चढ़ने तेल। जा है हालत ना मड़वा डरने ना तेल चढ़ने ब्याह होगो। अच्छा। अरे लड़का और बिटियन के जे देखो खेल। और ना डरने मड़वा और ना चढ़ने तेल। हाँ ना डरने मड़वा ना चढ़ने तेल। डरने ना मड़वा ना चढ़ने तेल। इसे हाँ अरे सासी के कुवैयन को नैया ओपाओ। जैसे पिक्कू भैया का सासी शिक्षा दे सो को के नहीं सुन ले। अरे सासी के कुवैयन को नैया ओपाओ। कलयुग में होने लगे अपने मन के ब्याह।
आखिरी में बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बोलो। तोड़ डारी मारे आधा करो भारत भंग। अच्छा, अपने ही भारत में इतने अच्छे संस्कार थे पहले, के दद्दा से दद्दा, चाचा से चाचा, और का गांव कन की बड़ी इज्जत होती, शहर में बड़ी इज्जत होती, लेकिन अब का होन लगो, अब इज्जत नहीं रही। अच्छा, हाँ यही से कह रहे हैं, अरे टोर डारी माए आदा करो भारत भंग, ओ भारत हमारो है प्राणन को अंग, ए भारत हमारो है प्राणन को अंग। यही से कह रहे हैं हम तुमसे, बोलो। अरे कह रहे ललन संस्कार जे बनाओ, हमारे बहुत ही अच्छे कवि ललन भैया हैं, उनने लिखो है, और का अरे कह रहे ललन संस्कार जे बनाओ, कलयुग में होने लगे अपने मन के ब्याह, लाज शर्म रही नैया, लाज शर्म रही नैया, दिखा रहे हैं ताओ, कलयुग में होने लगे अपने मन के ब्याह।